हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिंपली फूड एंड फ्लेवर्स में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ओडिशा एंड बंगाल के एक लोकप्रिय स्वीट डिश स्टीम संदेश। बहुत ही टेस्टी मिठाई है। इसको बनाना जितना सिंपल है, खाने में कई गुना टेस्टी है और हेल्दी भी है। आपको बहुत ही पसंद आएगा और इसको कभी भी किसी भी टाइम में भी झटपट बना के खाया जा सकता है और खिला भी जा सकता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करेगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो स्माइल के साथ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 लीटर दूध ली हूँ और उसको उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ। ये गाय का दूध है जो रेगुलर घर में आते हैं, उसी में हम लोग बनाएंगे। इसमें बहुत ही अच्छी पनीर भी बनी जाएगी। तो उसको उबलने देते हैं पहले, और जब तक हमारा दूध उबलता है तब तक हम लोग नींबू का रस को निचोड़ के उसका रस अलग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 नींबू का यूज कर रही हूँ। और जितना हमारा नींबू का रस निकला है उसका आधा हम लोग पानी डालेंगे। तो ये हमारा नींबू का रस बनके तैयार है। और ये देख सकते हैं दूध हमारे यहाँ पे उबल गई है। अभी इस टाइम में गैस को ऑफ कर लेंगे और दूध को थोड़ी देर ठंडी होने देते हैं। उसके बाद हमको उसका पनीर अलग करेंगे ताकि हमारा जो पनीर बनेगा बहुत ही सॉफ्टी बनेगा। तो उसको थोड़ी सी ठंडी होने देते हैं। और यहाँ पे हमारा दूध थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब उसमें डालेंगे हम लोग ये जो नींबू को निचोड़ के रखे थे उसका रस। तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डालते जाएंगे और उसको ऐसे चलाते जाएंगे। और नींबू के रस के बदले आप जो सिरका आता है उसको भी डाल के दूध से पनीर को अलग कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं हमारे दूध से पनीर अलग हो गई है। अब उसको छान लेते हैं। और छानने के लिए यहाँ पे मैं एक नीचे से एक बर्तन रख दी हूँ, ऊपर छन्नी रख दी हूँ और उसके ऊपर एक कटन का कपड़ा ऐसे रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लाके और उसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। और इसको सेट कर लेते हैं। अब इस पनीर को हम लोग 1-2 बार अच्छे से धोएंगे ताकि जो हम लोग नींबू का रस को उसको डाले थे उसको निकाल जाएगा। तो उसको अच्छे से धो लेते हैं, उसको सेट कर लेते हैं और अच्छे से निचोड़ लेंगे। अब इस पनीर को एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे, उसको चला के उसको स्मूथ बना लेंगे। तो कवर करके उसको अच्छे से स्मूथ बना लेते हैं। और ये देख सकते हैं मैं अच्छे से उसका स्मूथ बना दी हूँ। और ये देख सकते हैं एकदम स्मूथ बन गई है हमारी छेने। अब उसमें डालेंगे आधा कटोरी दूध। ये उबला हुआ दूध है, आधा कटोरी डाल देंगे। और ये पाउडर शुगर है, 2-2.5 चम्मच डाल देते हैं, नहीं तो आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 चम्मच डाल रही हूँ शुगर को। थोड़ी सी ग्राइंड में चला के उसको पाउडर बना दी थी। और फिर से उसको अच्छे से चला लेते हैं और थोड़े से स्मूथ कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से स्मूथ बन गई है और स्मूथ सा एक बैटर बन के तैयार है। और जिस बर्तन में हम लोग स्टीम करेंगे उसी बर्तन को अच्छे से ग्रीस करेंगे घी से। अच्छे से ग्रीस करेंगे जैसे कि हर कोने घी से ग्रीस हो जाए, ऐसे ही ग्रीस करनी है।
इसमें डाल देंगे जो ग्राइंड करके रखे थे बैटर को छेने की। और उसके बाद उसको अच्छे से सेट करेंगे। और ये थोड़ी सी यहाँ पे मैं काट कर रखी हूँ काजू को, इसको डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी इलायची को ऐसे दरदरा पीस दी हूँ, उसको भी डाल देंगे। और थोड़ी सी ऐसे टैप कर देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 15 से 17 केसर के धागे। और यहाँ पे स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैं कढ़ाई को गर्म कर ली हूँ। कढ़ाई या जिस बर्तन में आप स्टीम करेंगे उसको गर्म कर लेंगे और एक स्टैंड लगा देंगे। और इसमें डालेंगे 2.5 से 2 कप पानी। और पानी यहाँ पे गर्म हो गया है और धीरे से उसको अंदर रख देंगे। लीड को बंद कर लेते हैं और उसके बाद 30 से 40 मिनट उसको ऐसे ही स्टीम होने देते हैं मीडियम फ्लेम में। यहाँ पे हमारा 30 से 35 मिनट हो गई है, गैस को भी बंद कर लेते हैं और लीड को हटा के चेक कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं हमारा संदेश एकदम बढ़िया से बन गई है। उसको निकाल के उसको ठंडी होने देते हैं और मैं यहाँ पे निकाल दी हूँ। और ये बिल्कुल ठंडी होने के बाद 30 मिनट्स के लिए फिर से फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद उसको मैं कट करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ। आधे घंटे ही फ्रिज में रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। और उसको छुरी को चारों ओर अच्छे से इसे किनारे को लगाते हुए उसको चला लेंगे ताकि जो हमारा संदेश है वो ईजिली निकल जाए। और जो हम लोग घी को जमाए थे ना, घी की वजह से नीचे जम गया है हमारा संदेश, इसलिए नीचे से थोड़ी सी उसको गर्म कर लेते हैं ताकि वो इजीली हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं उसको हल्के से गर्म कर दूंगी और ये देख सकते हैं मैं ज़्यादा नहीं गर्म करूंगी, हल्के से ही गर्म करूंगी। और उसको निकाल लेते हैं, ये गर्म हो गई है। और ये देख सकते हैं ये हमारा संदेश एकदम तैयार है। उसको फिर से पलट लेते हैं। और उसको काट लेते हैं। और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया और बहुत ही हेल्दी हमारा संदेश बन के तैयार है। उसको प्लेट में रखते जाएंगे। और ये देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार है। जितना बनाने आसान है उतना ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। तो बनाइए, आपको आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देख सकते हैं मैं अच्छे से सजा भी दी हूँ। आप बनाइए, खाइए। और ये वाला स्टीम संदेश आपका कैसे बना है मेरे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।